हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमवती पूर्णिमा के महासंयोग पर चावल के दाने और बेलपत्र से किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार सोमवार की पूर्णिमा के दिन महादेव की विशेष पूजा की जाती है। सोमवार को पड़ने वाली पूर्णिमा को सोमवारी या सोमवती पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या की ही तरह सोमवती पूर्णिमा का संयोग भी बेहद ही दुर्लभ माना गया है। दोस्तों, इस साल भगवान शिव के प्रिय मास में सोमवती पूर्णिमा का अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। जी हाँ, इस साल सावन मास का समापन सोमवती पूर्णिमा पर होगा। दोस्तों, इस दिन सावन का आखिरी सोमवार व्रत और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। दोस्तों, यह विशेष तिथि होगी 19 अगस्त दिन सोमवार को। जी हाँ, 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को इतने दुर्लभ योग एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इस खास तिथि का लाभ हम सभी को अवश्य ही लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सावन सोमवती पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं सावन सोमवती पूर्णिमा शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सावन सोमवती पूर्णिमा व्रत 19 अगस्त सोमवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त की सुबह 3:05 पर। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 19 अगस्त की रात्रि 11:55 पर। दोस्तों, चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:54। दोस्तों, इस दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं 19 अगस्त दिन सोमवार के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, सत्यनारायण पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:55। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से सुबह 5:20। रक्षाबंधन अनुष्ठान का समय रहेगा दोपहर 1:30 से रात 9:07। दोस्तों, रक्षाबंधन अपराह्न मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:42 से शाम 4:19 और रक्षाबंधन प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा शाम 6:56 से रात 9:07। अब जान लेते हैं सावन सोमवती पूर्णिमा पर किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार सोमवती पूर्णिमा बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। सोमवार को पूर्णिमा होने से इस दिन शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन शिव जी की विशेष पूजा से कुंडली के दोष और सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिले जल से स्नान कर शिवलिंग पर एक लोटा कच्चा दूध मिला जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इसके बाद मात्र एक दाना साबुत चावल लें और इसे शिवलिंग पर भगवान शिव के चंद्रमौली नाम का स्मरण करते हुए अर्पित करें। अब एक बेलपत्र लें और इस बेलपत्र की डंडी का मुंह अपनी ओर करते हुए उस चावल के दाने को बेलपत्र पर रखकर अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। दोस्तों, सोमवारी पूर्णिमा के दिन किए गए इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।